हे माया, क्या तुम्हें पता है फॉरेस्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये हमें ऑक्सीजन और एनिमल्स के लिए हैबिटेट देते हैं, राइट? बिल्कुल, और ये हमारे क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं। सही कहा, इसीलिए हमें फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आस्क प्रेप। इन टुडेज वीडियो we are going to discuss about forests, a lifeline. So let's get started. Introduction. Forests hamare environment ka ek important hissa hai. Ye ecological balance banaye rakhne, biodiversity ko support karne aur human life ke liye zaruri resources provide karne mein crucial role play karte hain. Class 7 NCERT science book ke chapter 12 mein forests ki importance, unke types, benefits और कंजर्वेशन की जरूरत के बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया है। फॉरेस्ट्स की इम्पोर्टेंस। फॉरेस्ट्स को अक्सर लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। ये प्रोसेस गैसेस के बैलेंस को मेंटेन करने और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए वाइटल है। फॉरेस्ट्स क्लाइमेट कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं, वेदर पैटर्न्स और टेम्परेचर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉरेस्ट्स बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी इम्पोर्टेंट है। ये वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे स्पीशीज को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कई स्पीशीज फॉरेस्ट्स पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ये बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। फॉरेस्ट्स वाटर साइकिल में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ये क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन बनाने में हेल्प करते हैं बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। ट्रीज और प्लांट्स के रूट्स रेन वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, जो सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में मदद करता है। फॉरेस्ट्स के टाइप्स। फॉरेस्ट्स को उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट और वेजिटेशन के टाइप्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। चैप्टर में डिस्कस मेन टाइप्स है। ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट्स, ये फॉरेस्ट इक्वेटर के पास होते हैं और यहाँ हाई टेम्परेचर्स और हैवी रेनफॉल होती है। डेंस वेजिटेशन, टॉल ट्रीज और वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीशीज से कैरेक्टराइज्ड है। एग्जांपल्स है अमेज़न रेनफॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका और कॉन्गो बेसिन इन अफ्रीका। टेम्परेट फॉरेस्ट, ये रीजन मॉडरेट क्लाइमेट वेल होते हैं, जहाँ डिस्टिंक्ट सीजन्स होते हैं, इंक्लूडिंग वार्म समर और कोल्ड विंटर। ये ब्रॉड लीव ट्री से कैरेक्टराइज्ड होते हैं, जो ऑटम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। एग्जांपल्स है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के डिसिड्यूस फॉरेस्ट्स। टाइगा, बोरियल फॉरेस्ट्स, ये हाई लैटिट्यूड रीजन्स में होते हैं, जहाँ कोल्ड क्लाइमेट्स होते हैं। इनमें कॉनिफरस ट्रीज लाइक स्प्रूस, FIR और पाइन डोमिनेट करते हैं। टाइगा के रीजन्स में लॉन्ग विंटर्स और शॉर्ट माइल्ड समर्स होते हैं। ये कनाडा, रशिया और स्कैंडिनेविया के पार्ट्स में स्ट्रेच्ड है। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, ये कोस्टल फॉरेस्ट्स होते हैं, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, जहाँ सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होता है। मैंग्रोव सलाइन कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड है और कोस्टल एरियाज को इरोजन और स्टॉर्म सर्जेस से प्रोटेक्ट करते हैं। फॉरेस्ट्स के बेनिफिट्स। फॉरेस्ट्स कई तरह के बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, जो ह्यूमन वेलबीइंग और प्लैनेट के हेल्थ के लिए वाइटल है। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। फॉरेस्ट्स कार्बन सिंक्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर से लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करते हैं। ये लोकल वेदर पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, वाटर साइकिल में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फॉरेस्ट टिम्बर, फ्यूल वुड और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। ये पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करते हैं और फॉरेस्ट्री और इको टूरिज्म में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। सोशल बेनिफिट्स। फॉरेस्ट इंडिजिनस और लोकल कम्युनिटीज के लिए इम्पोर्टेंट है, जो उनके लाइवलीहुड्स, कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए डिपेंड करते हैं। ये रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और नेचर के साथ कनेक्शन के स्पेसेस ऑफर करते हैं। फॉरेस्ट्स के थ्रेट्स।
फॉरेस्ट्स को कुछ थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं जो उनकी हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी को जियोपार्डाइज करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ये प्रोसेस फॉरेस्ट्स को एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट या लॉगिंग के लिए क्लियर करने का है। डिफॉरेस्टेशन से हैबिटेट लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है और क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स के थ्रू। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, अगर फॉरेस्ट कम्प्लीटली क्लियर नहीं होते तब भी वो डिग्रेड हो सकते हैं इलीगल लॉगिंग, ओवर ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक और पोल्यूशन से। डिग्रेडेशन फॉरेस्ट के इकोलॉजिकल सर्विसेज और वाइल्ड लाइफ सपोर्ट करने की एबिलिटी को अफेक्ट करता है। क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में चेंजेस फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को ऑल्टर कर सकते हैं, जो उन्हें पेस्ट्स, डिजीजेस और वाइल्ड फायर्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल बना सकते हैं। इसे वेजिटेशन टाइप्स में शिफ्ट्स और स्पीशीज लॉस हो सकता है। फॉरेस्ट्स का कंजर्वेशन, थ्रेट्स को एड्रेस करने और फॉरेस्ट्स की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जरूरी है। प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और रिजर्व्स एस्टैब्लिश करना फॉरेस्ट्स को ह्यूमन एनक्रोचमेंट और डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये एरियाज वाइल्ड लाइफ के रेफ्यूजेस होते हैं और क्रिटिकल हैबिटेट्स को प्रिजर्व करते हैं। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, इसका मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेज को इस तरह मैनेज करना है कि करंट नीड्स फुलफिल हो सके बिना फ्यूचर जनरेशंस के नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए। प्रैक्टिसेस इंक्लूड सिलेक्टिव लॉगिंग, रिफॉरेस्टेशन और एग्रोफॉरेस्ट्री। रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन का मतलब डिफॉरेस्टेड एरियाज में ट्रीज प्लांट करना है, जबकि एफॉरेस्टेशन का मतलब अन एरियाज में ट्रीज प्लांट करना है जो पहले फॉरेस्टेड नहीं थे। ये प्रैक्टिसेस डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर करने और फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करने में हेल्प करती है। कंक्लूजन, फॉरेस्ट्स हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है जो एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस और थ्रेट्स को समझना इफेक्टिव कंजर्वेशन के लिए क्रूशल है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके और कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करके हम फॉरेस्ट्स को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं और प्लैनेट के हेल्थ को इंश्योर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी थ्रू द वर्ल्ड ऑफ सेल्स। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।